हरिओम तत्सत कथा उपनिषद भागवन सर्ग तीन ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुलाम प्रविष्टो परमे परार्धे छायात्पो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रि नाचिकेतः। दो ऐसे हैं जो शरीर के भीतर बुद्धि में हृदय के सर्वोच्च आकाश में निवास करते हैं और अपने कार्यों के लिए निश्चित प्रतिफल का आनंद लेते हैं। ब्रह्म के ज्ञाता उन्हें प्रकाश और छाया के रूप में वर्णित करते हैं, उन गृहस्थों के रूप में जिन्होंने पांच अग्नि में आहुति दी है और जिन्होंने तीन बार नचिकेता यज्ञ किया है। यह सेतुरी जाना ना माक्षरम ब्रह्म यत परम अभयम तितिरष्टाम परम नाचिकेतम शके मही। हम जानते हैं कि नचिकेता यज्ञ कैसे करना है जो बलिदानियों के लिए सेतु है, और हम उस सर्वोच्च अविनाशी ब्रह्म को भी जानते हैं जिसे वे लोग खोजते हैं जो उस किनारे तक जाना चाहते हैं जहाँ कोई डर नहीं है। आत्मा नम्रथितम विद्धि शरीरम तृतमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रगह मेव च। आत्मा को रथ का स्वामी जानो, शरीर रथ बुद्धि सारथी और मन लगाम। इस पर शंकराचार्य जी कहते हैं, यहाँ आत्मा के लिए एक रथ की कल्पना की गई है जो संसार में वातानुकूलित है, ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर्म करने का हकदार है और संसार में यात्रा करने के लिए दोनों तक पहुँचने के साधन के रूप में उस आत्मा को जानो जो कर्मों के फल का भोगता है और संसार के बंधन में है। रथ का स्वामी बनना, शरीर को वास्तव में रथ जानो, क्योंकि रथ की तरह शरीर को घोड़ों का स्थान देने वाली इंद्रियों द्वारा खींचा जाता है। संकल्प की क्षमता से युक्त बुद्धि को भी चालक समझो, क्योंकि शरीर मुख्य रूप से बुद्धि द्वारा संचालित होता है, जैसे रथ मुख्य रूप से चालक द्वारा संचालित होता है, क्योंकि शरीर द्वारा किए जाने वाला हर काम आमतौर पर बुद्धि द्वारा किया जाता है। मन को उसकी इच्छा संदेह आदि गुणों सहित लगाम के रूप में जानो, क्योंकि इंद्रियां जैसे कान मन द्वारा पकड़ लिए जाने पर अपना कार्य उसी प्रकार करती हैं जैसे घोड़े लगाम से पकड़ लेते हैं। इंद्रियाणि हयानुहूर विषयस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते तयाहु मनीषिणा। वे कहते हैं, इंद्रिया घोड़े हैं, वस्तुएं, सड़कें, ज्ञानी जन, शरीर, इंद्रियों और मन से संयुक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। इस पर शंकराचार्य जी कहते हैं, जो लोग रथों के निर्माण में पारंगत है वे शरीर को खींचने की समानता से इंद्रियों जैसे आँख और को बाकी को घोड़ा कहते हैं। इन इंद्रियों के जो विषय जैसे रूप आदि हैं उन्हें घोड़े के रूप में मार्ग के रूप में जानो। बुद्धिमान लोग शरीर इंद्रियों और मन से संयुक्त आत्मा को भोक्ता अर्थात संसार में एक कहते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा भोक्ता नहीं हो सकती, उसका आनंद उसकी बुद्धि आदि स्थितियों का ही परिणाम है। तदनुसार अन्य श्रुतियाँ भी घोषणा करती हैं कि शुद्ध आत्मा निश्चित रूप से भोक्ता नहीं है। ऐसा लगता है सोचना और चलना यदि ऐसा है तो ही वर्णित किए जाने वाले रथ की सादृश्यता को समझना उचित होगा। विष्णु पद शुद्ध आत्मा के रूप में लेकिन अन्यथा नहीं, क्योंकि शुद्ध आत्मा के बारे में संसार से आगे नहीं जाया जा सकता। यसत्व विज्ञान वान भवत्य युक्तेन मनसा यदा तस्येन्द्रिय अन्य वस्यानि दुष्टाश्व इव सारथे। यदि बुद्धि सदैव विचलित रहने वाले मन से संबंधित होने के कारण अपना विवेक खो देती है तो इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों की तरह अनियंत्रित हो जाती हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसे बुद्धि के नाम से जाना जाता है जो यह भेदभाव करने में सक्षम नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उसके रथ का मार्गदर्शन करने वाले दूसरे चालक का दिमाग रथ की लगाम की तरह नहीं होता। चालक द्वारा अच्छी से पकड़ लिया जाए अर्थात बुद्धि से अनियंत्रित
उस अयोग्य चालक की अर्थात बुद्धि इंद्रियां जो घोड़ों के स्थान पर खड़ी होती हैं दूसरे चालक के दुष्ट घोड़ों की भांति बेलगाम हो जाती हैं। यह अस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथे। लेकिन यदि बुद्धि हमेशा संयमित रहने वाले मन से संबंधित होने के कारण विवेक रखती है तो सारथी के अच्छे घोड़ों की तरह इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं। यस्तत्व विज्ञानवान भवत्य मनस्क सदा शुचि ही न स तत्पद्मान प्रोति संसारम चादि गच्छति। यदि बुद्धि विचलित मन से संबंधित होने के कारण अपना विवेक खो देती है और इसलिए हमेशा अशुद्ध रहती है तो देहधारी आत्मा कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती बल्कि जन्मों के चक्र में प्रवेश करती है। अस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि ही सा तु तत्पद्मा नोति यस्मान भूतो भूयो न जायते। लेकिन यदि बुद्धि संयमित मन से संबंधित होने के कारण विवेक रखती है और इसलिए हमेशा शुद्ध रहती है तो देहधारी आत्मा उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है जहाँ से उसका दोबारा जन्म नहीं होता। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्राग्रह व नर सोध्वन परमान प्रोति तद्विदिनो परमं पदम। जो मनुष्य अपने सारथी का विवेक रखता है और मन की लगाम को दृढ़ता से पकड़ता है वह मार्ग के अंत तक पहुँचता है और वही विष्णु का सर्वोच्च पद है। इंद्रियेभ्य पराहृता अर्थेभ्य च परमं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियों से परे विषय है, विषयों से परे मन है, मन बुद्धि से परे, बुद्धि से परे महान आत्मा, महान आत्मा से परे अव्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष, पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, यह अंत है, सर्वोच्च लक्ष्य है। महते परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषा परः पुरुषान् परम किचित् सा कष्ट सा पर गति ही। इंद्रियों से परे विषय है, विषयों से परे मन है, मन बुद्धि से परे, बुद्धि से परे महान आत्मा, महान आत्मा से परे अव्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष और पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, यह अंत है, सर्वोच्च लक्ष्य है। येषु सर्वेषु भूतेषु गूढोतात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वह आत्मा जो सब प्राणियों में छिपा है वह प्रकाशित नहीं होता लेकिन इसे सूक्ष्म दृष्टा अपनी एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से देखते हैं। द्वांग मनी प्रागह तद्य छेदन आत्मनि ज्ञानमात्मानि महति नियाच्छे तद्य छे छांत आत्मनि। बुद्धिमान मनुष्य को अपनी वाणी को अपने मन में और अपने मन को अपनी बुद्धि में समाहित कर लेना चाहिए। उसे अपनी बुद्धि को ब्रह्मांडीय मन में और ब्रह्मांडीय मन को शांत आत्मा में विलीन कर देना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिन बोधत सुरस्य धारा निश्चिता दुरत्तया दुर्गम पथः त्वत्वयो वदंती। उठो चौकन्ना महान से संपर्क करें और सीखें जैसे उसरे की धार तेज होती जाती है वैसे ही बुद्धिमान लोग कहते हैं चलना कठिन है और पार करना कठिन है। शब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चर्यत अनाद्यनंतम महते परमम ध्रुवम निचाये तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। आत्मा को जान लेना जो धनीहीन अमूर्त निराकार अविनाशी और इसी तरह स्वादहीन शाश्वत और गंधहीन है जो आरंभ और अंत से रहित महान से परे और अपरिवर्तनीय है
उसका बोध होने पर व्यक्ति मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। जानने योग्य वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कैसे हो सकती है? शंकराचार्य जी कहते हैं, यह बताया गया है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा समस्त इंद्रियों के विषय से उत्पन्न है पृथ्वी, स्थूल है, शरीर भी वैसा ही है। यहाँ एक एक करके इन गुणों अर्थात पृथ्वी और शेष के गुणों को समाप्त करने से जल से लेकर आकाश तक के तत्व में सूक्ष्मता, महानता, पवित्रता और स्थायित्व के संबंध में अंतर पाया गया है। इसीलिए श्रुति से पता चलता है कि उस चीज़ की अद्वितीय सूक्ष्मता आदि के बारे में बहुत कम कहने की आवश्यकता है, जिसमें गंध और ध्वनि तक के बाकी सब समावेशी हैं, केवल संशोधन स्थूल होने के कारण मौजूद नहीं है। जो ध्वनि रहित, स्पर्श रहित, निराकार, अविनाशी, स्वादहीन, शाश्वत और गंधहीन ब्रह्म है, इस प्रकार समझाया गया है, अविनाशी है, क्योंकि इसमें ध्वनि आदि हैं, उसका क्षय हो जाता है, परंतु ध्वनि आदि ना होने से इसका क्षय या ह्रास नहीं होता, इसलिए भी यह शाश्वत है। नचिकेतम उपाख्यानम मृत्युम प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा चामेध्यावि ब्रह्मलोके महीयते। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने मृत्यु द्वारा कही गई नचिकेता की शाश्वत कहानी सुनी और सुनाई है, वह ब्राह्मण की दुनिया में पूजनीय है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रुति उपचारित ज्ञान की प्रशंसा करने के लिए कहती है, नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया, मृत्यु द्वारा बताया गया, तीन बल्लियों में समाहित है, प्राचीन काल में जिसका वर्णन वेदों में मिलता है, वह संसार जो ब्रह्म है, महिमा प्राप्त करता है, आत्मा बन जाता है, पूजा करने योग्य है। या इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयते श्राद्ध काले वा तदान अन्तया कल्पते तदानन्त्यै कल्पत इति कटको उपनिषदि प्रथम अध्याय तृतीया वल्ली। और जो आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हुए ब्राह्मणों की सभा में या मृत्यु के बाद समारोह में सर्वोच्च रहस्य का पाठ करता है, उसे अनंत पुरस्कार प्राप्त होते हैं। हाँ, उसे अनंत पुरस्कार प्राप्त होते हैं। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, जो कोई भी इस पाठ को, इस सर्वोच्च रहस्य को ब्राह्मणों की सभा में स्वयं शुद्ध होकर सुनाता है या श्राद्ध के समय वहाँ भोजन कराने वालों को सुनाता है, वह श्राद्ध को सुरक्षित करने में सक्षम है। उसके लिए अनंत फल पुनरावृत्ति अध्याय के समापन के लिए है। इति कटको उपनिषदि प्रथम अध्याय तृतीया वल्ली। हरिओम तत्सत्।